अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो, सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, स्कोडा ऑक्टेविया है, पेट्रोल 1.8 इंजन है। बेसिकली क्या, मैं इसका टाइमिंग बेल्ट है जो चेंज कर रहा हूँ। आपको बताऊँगा इसका क्या क्या प्रोसेस है। ऑलरेडी मैंने वाटर पम्प था इसका, जो वाटर पम्प भी रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं इसके एडजस्टर बेयरिंग है, और इसके नीचे इसका टेंशनर आता है। ये देखो, आप देख सकते हैं इसके पीछे एक वाइसर आता है। आप देख सकते हैं इसके पीछे एक वाइसर दिया हुआ है। देखो, ये वाइसर याद से लगाना होता है। ये जो जूना वाला बैरिंग है, ये जूना वाला मैंने बैरिंग निकाल दिया क्योंकि मेरे को इसका टाइमिंग किट चेंज करना है। सो ये सब, ये जो बैरिंग है आप देख सकते हैं, ऐसा इजीली लग जाता है। सिर्फ ध्यान देना है जो अंदर का वाइसर है वो प्रॉपरली होना लगना चाहिए। देखो, आप देख सकते हैं टेंशनर मैंने लगा दिया। सो आपको मैं बता दो, इसका टाइमिंग मैंने सेट कर लिया है। ये देखो, ये जो लगाया है उसका गेज लगाया हो, इससे मेरे को पिस्टन जो है TDC मालूम पड़ेगा, मतलब पहला वाला पिस्टन टॉप पे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ क्रैंक में कोई स्पेसिफिक मार्किंग या फिर टूल जाने का स्पेस नहीं दिया हुआ है। सो इसको टॉप पे रखने का पहला पिस्टन, पहला या चौथा। और आप देख सकते हैं इधर भी एक मार्किंग दिया हुआ है, और बॉडी पे भी एक मार्किंग दिया हुआ है। देखो, आप देख सकते हैं। सो ये आमने सामने होना मांगता, विच मीन कैमशाफ्ट का भी टाइमिंग आ गया, और ये पहला पिस्टन को टॉप पे रखा हमें, सो दैट अपना क्रैंकशाफ्ट का भी टाइमिंग आ गया। टाइमिंग बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। आप देख सकते हैं इसका ऑटो टेंशनर है। देखो, तो ये क्या, इधर दो बोल्ट पे लगता है, इधर एक बोल्ट है और एक इधर बोल्ट है। दो बोल्ट पे लगाना है, उसके बाद अपने को जो बेल्ट है बेल्ट इंस्टॉलेशन करना होगा। ये इंस्टॉल करने के बाद मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भी मैंने टाइट कर दिया, लेकिन ये कितना भी टाइट रहेगा ना, ये हिलता ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर स्लू दिया हुआ है इसके लिए। सो ऑटो टेंशनर भी लगा दिया हूँ मैं, इसका बैरिंग भी लगा दिए लो एडजस्टर के लिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, मेरा बेल्ट डालना है इसमें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टाइमिंग बेल्ट भी इंस्टॉल कर दिया हमें। देखो, ये साइड एकदम टाइट होना चाहिए, जो कि अपना परफेक्ट हो चुका है। और इसका नॉब दिया है, ये देखो। सो ये निकालने पे जितना चाहिए उतना ऑटो टेंशनर है, और जो अपना जो ये टेंशनर था ये हाइड्रोलिक टेंशनर है। सो आप देख सकते हैं ऑयल के प्रेशर के साथ रहता है। और अब एक बार फिर से इसका टाइमिंग घुमा के चेक करूँगा, जो कि परफेक्ट है, तो भी एक बार कंफर्मेशन करें। यहाँ पे भी एक मार्किंग है, बॉडी पे भी मार्किंग है, एकदम सामने सामने। देखो, तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो भी एक राउंड घुमाऊंगा, घुमा के चेक करूंगा मैं। हाँ, घुमा, आएगा अभी, आएगा, देख घुमा, धीरे धीरे धीरे। हाँ, जान दे 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 ऐसे ही जान दे जान दे। हाँ, रुक जा रुक जा। अच्छा, बरोबर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इधर मार्किंग, ये मार्किंग एकदम परफेक्ट आ गया, आमने सामने आ गया। देखो, मतलब एक राउंड घुमा के कंफर्म कर दिए। और अपन ने ये डाइको कंपनी का बेल्ट डाला हुआ है, मतलब पूरा टाइमिंग किट आया है। आपको बताया मैंने इसका टाइमिंग का क्या लोकेशन है, और कैसा इसको TDC पोजिशन में लेके टाइमिंग सेट किया हमें। तो जो मेन स्टेप था इसका टाइमिंग का, वही मैंने इस वीडियो में बताया है। बाकी अभी तो फ्लशिंग चालू है, और आपको अभी स्टार्ट करके दिखा था। और जो ये सब खुला भरा है, इसको भी टेपिंग करना है मेरे को। स्टार्ट कर। आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम एक शल में स्टार्ट है गाड़ी, और ये फ्लशिंग भी चालू है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कूलेंट था। ग्रीन कूलेंट को मेरे को हटाना है, रेड वाला कूलेंट डालना है। तो इसके लिए